आज बाइनरी मास्टरी सीरीज का क्लास 4 है, जिसका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कैंडल रिएक्शन। यस गाइस, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था उस टॉपिक का वीडियो आज आ चुका है। कैंडल रिएक्शन का आज हम बेसिक सीखने वाले हैं, एंड बेसिक भी बहुत इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। एंड मुझे पता है 10 में से 9 लोग ये वीडियो को एंड तक नहीं देखने वाले, छोड़ के चले जाएंगे, और जो एक इंसान देखेगा वही कैंडल रिएक्शन को और ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा और कैंडल रिएक्शन अच्छे से सीख पाएगा। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है और कैंडल रिएक्शन अच्छे से सीखना है तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। एंड यहाँ से मैं कैंडल रिएक्शन के एक सीरीज चालू हो जाएगा, जहां पर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजें सिखाऊंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, क्लास 4 बेसिक्स ऑफ कैंडल रिएक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कैंडल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना आप कैंडल रिएक्शन का मतलब क्या समझते हो, ठीक है? बट मैं यहाँ पर अपना थ्योरी दे दूँ कि कैंडल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। कैंडल रिएक्शन मीन्स हाउ कैंडल इज रिएक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस और एरिया। मतलब सिंपल है कि कौन से प्राइस में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आई होप मेरे ये सिलेक्टेड पार्ट दिख रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइस है। एक ये है $100 का, ठीक है, ये है $95 का, एंड ये है $105 का। तो ये बीच में 100, 95 और 110। तो अगर आप देखोगे मार्केट, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा ओपन होता है $95 पर और मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और हम देखते हैं कि मार्केट धीरे 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 प्रेशर के साथ जा रहा है, बट $100 को टच करते हुए मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, एंड अगेन मार्केट वहां पर आके स्टॉक के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। फिर मार्केट क्या हो रहा है, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एंड स्टॉक के साथ 105 का ब्रेकआउट दिया और हल्का सा के क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट कुछ इस तरीके से क्लोजिंग की है, ठीक है। एंड हमें क्या समझ आ रहा है कैंडल रिएक्शन, हम क्या देखते हैं इस चीज का। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये 1 मिनट का कैंडल, अगर हम 5 मिनट में जाएंगे तो हम क्या समझ आ रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, इसे टच किया, स्टॉक के साथ नीचे आया, फिर स्टॉक के साथ ऊपर गया, हल्का सा सस्टेन किया, फिर शॉक के साथ ब्रेकआउट दिया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ पर शॉक के साथ ऊपर आया, फिर इसे टेस्ट करके रिजेक्ट करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो हमें क्या समझ आया कि 100 के प्राइस में मार्केट में रिएक्शन आया है, जहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम किया, फिर ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्गली। फिर हमें समझ आया है कि 105 के प्राइस में मार्केट में ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट की जैसा काम किया। तो इस तरीके से प्राइस कौन से इस तरीके से कैंडल कौन से प्राइस में रिएक्ट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कैंडल रिएक्शन। तो कैंडल रिएक्शन समझना है तो हम उसे 3 तरीके से समझ सकते हैं। 3 तरीके होते हैं, टेक्निक होते हैं। एक होता है प्रेशर, जिससे हम ट्रैक्टर मूवमेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट। एंड इसको मैं और इन डेप्थ बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। दूसरा होता है शॉक और एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मूवमेंट मतलब जो एकदम से झटके से आता है, एकदम शॉक आता है, उसे हम लोग बोलते हैं शॉक और एक्सप्लोजन। और साइकी टू स्टेप एक्सप्लोजन, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स पर करा जाता है, जो कि हमें कंटिन्यूशन का ट्रेड लेना रहता है। तो इसे देखो यार, ये सारी चीज़ें पेड कोर्स में होते हैं, पेड कोर्स में भी इतने अच्छे से नहीं बताते जितना अच्छे से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बता रहा हूँ। तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट डाल देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको इसी तरीके के नॉलेज के साथ सिग्नल चाहिए और भी नॉलेज चाहिए, तो मेक श्योर मेरे टेलीग्राम को चेक जरूर करना, जहां पर मैं अपने ट्रेड्स शेयर करता हूँ, अपने सिग्नल्स भी शेयर करता हूँ, जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो मेक श्योर टेलीग्राम को भी चेक करना। एंड आपको इस सब का PDF चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो टेलीग्राम में, जहां पर मैं आपको ये सारे जो भी क्लासेस हो रहे हैं YouTube पर फ्री, इसके PDF आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला आता है ट्रैक्टर मूवमेंट और प्रेशर मूवमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक्टर मूवमेंट, यहाँ पर सिंपली थ्योरी लिखा हुआ है, द कैंडल स्टार्ट्स एंड अंटिल इट्स एंड इट्स फॉर्म बाय कंटिन्यूअस मूवमेंट, इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ एंड बीइंग यूज्ड इन स्ट्रेंथ कैंडल इन ट्रेंड कंटिन्यूटी एंड ब्रेकआउट ऑपरेशन। इसका सिंपली मतलब है, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, इस डायग्राम से भी समझ आ रहा होगा, कोई भी एक कैंडल ओपन होता है और उस कैंडल में सिर्फ प्रेशर है, इस तरीके से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से प्रेशर है ऊपर, फिर इस तरीके से थोड़ा नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया इस तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ, इस कैंडल में सिर्फ बायर स्टेबल है, बायर्स का स्टेबल पावर है, और ये कैंडल ज्यादातर कहाँ पर बनता है, ये कैंडल ज्यादातर इस तरीके के कैंडल, इस तरीके का मूवमेंट, कैंडल नहीं, इस तरीके का मूवमेंट ज्यादातर मोमेंटम पर बनता है या फिर ट्रेंडी मार्केट में बनता है। तो इसके बाद आप इजिली एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ये होता है कंटिन्यूस मूवमेंट का मतलब या फिर प्रेशर का मतलब। प्रेशर और ट्रैक्टर मूवमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ धीरे 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 बायर्स आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल,
आप लोग, मैं यहाँ पर एक कैंडल का मूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें मुझे बताना कि किसका मूवमेंट ज्यादा है। ठीक है, ओपन हुआ, नीचे आया धीरे से, फिर धीरे से ऊपर गया, फिर धीरे से नीचे आया, फिर धीरे से ऊपर गया, फिर धीरे से नीचे आया, धीरे से ऊपर गया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे और ऊपर और ऊपर। तो यहाँ पर किसका प्रेशर ज्यादा है मुझे ये बता। ठीक है, इस जिसने भी ये यहाँ पर इसे अच्छे से बता दिया, उसको मैं अपने मेंटोरशिप में एक क्लास फ्री में ला दूंगा, और एक हफ्ते मैं अपने वीआईपी ग्रुप पर भी ला सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताना कि किसका प्रेशर ज्यादा है इस पर्टिकुलर कैंडल पर। ठीक है, एंड यहाँ पर इसी तरीके से मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, और तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग सही से जवाब दे देते हो तो मैं जो जो बोला है मैंने मेंटोरशिप की क्लासेस आपको दे दूंगा एक, एंड दूसरा आपको अपने एक वीक अपने वीआईपी ग्रुप पर ले आऊंगा। ठीक है, एंड सेकेंड एक्सप्लोजन मूवमेंट। ठीक है, एक्सप्लोजन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? द कैंडल स्टार्ट्स विद एन एक्सप्लोजन और कैन ऑल्सो वेरी बिटवीन ट्रेसिंग एंड एक्सप्लोजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मूवमेंट इज व्हेन इट एक्सप्लोड एट स्पेसिफिक पॉइंट सच एज सिमेट्री ऑफ जोन फॉर रिट्रैक्शन यूज फॉर ऑपरेशन। इसे छोड़ दो, नीचे का लाइन छोड़ दो, इसका मतलब सिर्फ यही ही है। देखो, शॉक जो मैंने बोला था, एक्सप्लोजन जो शॉक, इसका क्या मतलब होता है? ओपन हुआ मार्केट, धीरे 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 ऊपर चल रहा है, ठीक है, और शॉक आता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर शॉक आता है। अब ये शॉक क्यों आता है? पहला, ब्रेकआउट्स के लिए। अगर आपको पीछे देखोगे, ठीक है, मार्केट इस तरीके से गिर रहा होता है, ठीक मार्केट इस तरीके से गिर रहा होता है, और उसके बाद मार्केट में यहां पर हमें ग्रीन कैंडल दिखते हैं, हमें यहां पर ग्रीन कैंडल दिखते हैं। अब क्या होता है ना, मार्केट में कुछ ये लेवल स्ट्रांग होते हैं, हिडन लेवल्स, ठीक है, ये लेवल स्ट्रांग होते हैं, तो ये सब लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट क्या करता है? शॉक देता है, शॉक देता है। तो इसका क्या मतलब होता है? ये ब्रेकआउट, ये सब हिडन लेवल के ब्रेकआउट के लिए शॉक देता है, इसलिए यहाँ पर एक मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है। जब भी हिडन लेवल के ब्रेकआउट होते हैं इस तरीके के शॉक से, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है। तो शॉक का एक रीजन ही होता है, एंड सेकेंड रीजन क्या होता है? सेकेंड रीजन होता है एग्जॉशन। अगर मार्केट भी ऊपर ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, शॉक के साथ ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर शॉक के साथ ऊपर गया, हल्का सा नीचे गया, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर शॉक के साथ ऊपर गया, विच शोज एग्जॉशन ऑफ अ कैंडल। तो शॉक के दो काम आते हैं इस तरीके के, जो वन स्टेप शॉक होता है, ठीक है, पहला ब्रेकआउट, दूसरा एग्जॉशन, इस तरीके से काम आता है। अभी आगे हम और अच्छे तरीके से सीखेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। साइकी टू स्टेप एक्सप्लोजन, इसका क्या मतलब होता है? सॉरी, साइकी टू स्टेप एक्सप्लोजन, इसका सिंपली मतलब होता है मार्केट में जब भी एक पर्टिकुलर लेवल होता है, एक लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए इस तरीके का आपको ब्रेकआउट, इस तरीके का सिचुएशन दिखता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है, कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक शॉक के साथ यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया, और यहाँ पर आप यहाँ पर रिजेक्शन का ट्रेड लोगे, बट मार्केट क्या है, एक और शॉक के साथ ऊपर गया। मीन्स यहाँ पर से आप देखो, यहाँ पर से मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे, एक शॉक आया, फिर यहाँ से हल्का नीचे आया, फिर शॉक आया, मीन्स यहाँ पर आपको डबल शॉक दिख रहा है, विच शोज कि ये लेवल का ब्रेकआउट होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल ब्रेकआउट देकर एक बड़ा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है। ठीक है, इसे हम काइंड ऑफ बोला जाए ब्रेकआउट कैंडल भी बोल सकते हैं, एंड इसके हम जब भी इस तरीके शॉक आता है तो हम यहाँ पर एक मिड में अप डायरेक्शन का ट्रेड भी ब्लेम कर सकते हैं, जिससे हमारा ट्रेड भी होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया थर्ड तरीका जिसके हमें सीखना है। एंड गाइस, मैं एक चीज आपको पूछता हूँ इसमें, ठीक है, क्या ये चीज हमें एग्जॉशन के तौर पर काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, अगर इसका आंसर सही दे दे तो मतलब मैंने 2 क्वेश्चन पूछा, पहला प्रेशर क्या होगा और दूसरा क्या ये रिएक्शन एग्जॉशन के ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा। अगर इसका आंसर हमको पता चल जाता है, ठीक है, अगर सही से आंसर मिल जाता है, तो वी कैन गिव यू अ गिव अवे ऑफ आवर मेंटोरशिप एंड प्रीमियम रूम। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब देखो यार, अब हमको जब आगे क्लासेस चालू होंगे, जब हम एग्जॉशन, कंटिन्यूशन, रिवर्सल, कैंडल साइज, ये सारी चीजें माइंड भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि नहीं सिखाऊंगा, बट इन डेप्थ नहीं सिखा पाऊंगा, ऊपर ऊपर से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, प्रेशर अप शॉक अप मीन्स आपको डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, प्रेशर डाउन शॉक डाउन मीन्स आपको अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, प्रेशर अप शॉक डाउन प्लेस डाउन डायरेक्शन ट्रेड, प्रेशर डाउन शॉक अप प्लेस अप डायरेक्शन ट्रेड, प्रेशर इज देयर नो शॉक सो प्रेशर के तरफ ट्रेड लेना है। ये सारी चीजें आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले क्लास में इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैंडल्स रिएक्शन इज ऑल अबाउट रिकवरी। अब कैंडल रिएक्शन का, रिकवरी का क्या मतलब होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, सेलर स्ट्रॉन्ग लिया है, बायर्स रिकवरी कर रहा है, मीन्स सेलर स्ट्रॉन्ग है और बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, अगेन स्ट्रॉन्ग बायर्स है बट सेलर्स उतने उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, भाई हल्के आता है, फिर बायर्स स्ट्रॉन्ग है पर सेलर्स भी रिकवरी कर रहे हैं, फिर बायर्स धीरे से आए, सेलर्स नहीं आए, फिर बायर्स आए पर सेलर्स धीरे से आए। इसका क्या मतलब हो रहा है कि बायर्स आ रहे हैं और सेलर्स कम आ रहे हैं, मीन्स इसमें रिकवरी किसका हो रहा है? बायर्स का रिकवरी इजिली हो रहा है, ठीक है। तो ये रिकवरी देख के हम एक इन द मिडिल कैंडल ट्रेड ले सकते हैं अप डायरेक्शन का, या फिर जैसे कि हमें मोमेंटम दिख गया, सारी चीजें दिख गई, कैंडल रिएक्शन के बेसिस पर हम इस कैंडल पर रिकवरी देखकर यहाँ कहीं पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल रिएक्शन आप सीख जाओगे तो आप हर कैंडल पर ट्रेड करके हर कैंडल विन कर पाओगे, नहीं, आपका एक्यूरेसी यहाँ पर भी आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ कैंडल रिएक्शन के ट्रेड पर के बेसिस पर आप ट्रेड करोगे तो आपका 60-70% एक्यूरेसी माइंड भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 50-60 आएगा। बट अगर आप सारी चीज़ों को मिक्स करके ट्रेड करोगे, जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है, तो उससे आपका एक्यूरेसी बेहद ऊपर जा सकता है। तो चलो चार्ट में देखते हैं कैंडल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ऐसे ही नॉर्मली ट्रेड ले लिया था, ठीक है, इसे छोड़ दो। अब एक चीज बताओ, कैंडल रिएक्शन साइडवेज मार्केट का टोटली अलग होता है, इस तरीके के मार्केट का अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके के मार्केट का कैंडल रिएक्शन मैं ही ना आप लोग को समझाऊंगा और ना ही मैं आप लोग को बोलूंगा कि ट्रेड करो, ठीक है। इस तरीके का मार्केट ठीक होता है कैंडल रिएक्शन के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा सा बस एक दो कैंडल का रिएक्शन देखेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। एंड एक चीज बता दूं, कैंडल रिएक्शन में शुरुआत के 20 सेकंड और लास्ट के 20 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है। आप मुझे बताओ, आप लोगों को चार्ट में आपको क्या समझ आ रहा है? इस कैंडल का रिएक्शन, जो पहला कैंडल हम लोग जो रीड कर रहे हैं, इसका प्रेशर कहाँ पर है और शॉक कहाँ पर है, ठीक है, प्रेशर और शॉक कहाँ पर है मुझे बताओ। ठीक है, इसमें किस कैंडल का प्रेशर ज्यादा है, किस कैंडल का शॉक ज्यादा है, और लास्ट के 20 सेकेंड्स, लास्ट की उसमें किसका ज्यादा प्रेशर या शॉक आया है? तो इस कैंडल के, मेरे हिसाब से इस कैंडल पर जो लास्ट के 20 सेकेंड्स में है, इस कैंडल में सेलर्स की तरफ से प्रेशर ज्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब हमको ट्रेड लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड दूंगा डाउन डायरेक्शन का, बट विथ कैंडल रिएक्शन। यहाँ पर मुझे कैंडल का रिएक्शन कंफर्मेशन होगा तो मैं ट्रेड करूंगा। मुझे रिकवरी देखना है, क्या बायस रिकवरी कर पा रहे हैं यहाँ पर इजिली? देखो बायस रिकवरी कर रहे हैं, सेलर्स भी रिकवरी कर रहे हैं बट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो ट्रेड है उतना ज्यादा श्योर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर से अगर मैं 5 सेकेंड में आऊँ, आपको दिखाऊँ, ये देखो सेलर्स आ रहे थे, सेलर्स आ रहे थे बट बायर्स भी रिकवरी कर रहे थे गैप अप कर करके, और सेलर्स रिकवरी नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके सिचुएशन पे हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है? अगर देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेड मैंने ले लिया, क्योंकि लास्ट कैंडल पे हमको कौन दिख रहा था? सेलर्स का प्रेशर दिख रहा था, और इस कैंडल पे हमें शुरुआत में सेलर्स का कंफर्मेशन मिला बट बाद में बायर्स का कंफर्मेशन नहीं मिला था। तो इस तरीके सिचुएशन पे थोड़ा अगर आपको डाउट जाता है तो आप कुछ मत करो, मार्जिन सेफ्टी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब इस कैंडल पर देखो शॉक, या इस कैंडल पे शॉक सेलर्स के साथ है, इजिली वी कैन गो फॉर अ डाउन। प्रेशर बायर्स के साथ था, शॉक सेलर्स के साथ है, मीन्स सेलर्स ज्यादा रिकवर कर रहे हैं, बायर्स रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर डबल शॉक आया। यहाँ पर देखो इस बड़े कैंडल को देख के और इस गैप अप को देखने के बाद अगेन एक बड़ा सा रेड कैंडल आया, विच मीन्स डबल शॉक आया, टू स्टेप एक्सप्लोजन आया, साइकी मूवमेंट आया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल आने के चांसेस ज्यादा है। और यहाँ पर से अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो ये सारे की लेवल्स है, ये की लेवल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है,
और ये की लेवल है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करेगा, इस एरिया के, ये जो एरिया है इसी जो मेरा एंट्री उसी के आसपास क्लोजिंग देने का ट्राई करेगा मार्केट, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरीके से सिचुएशन क्लोज देता है। अब मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल आ सकता है, वो आना भी था, ठीक है, बट इसका पावर अभी यहाँ पर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस कैंडल पे ही आ जाता है, बट अभी नहीं आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल आएगा, उसके बाद आपको पावर शिफ्ट होते हुए दिखेगा, ठीक है। यूएसडी बीआरएल का चार्ट है, हम 2-3 मिनट पे देखते हैं अभी, जब तक दूसरे कैंडल का देखते हैं रिएक्शन। इस कैंडल का रिएक्शन देखोगे, इसका इस कैंडल का रिएक्शन देखो किसकी तरफ से आता है, मोमेंटम बायस की तरफ है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन देखो, अभी धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, रिकवर कर रहे थे सेलर्स, फिर धीरे से ऊपर गया, अब सेलर स्ट्रॉन्गली आए, बायस उतने जल्दी रिकवरी नहीं कर पा रहे। अब अगेन बायस रिकवरी किए स्ट्रॉन्गली, सेलर्स रिकवर नहीं कर पा रहे। लास्ट के 20 सेकंड से लास्ट के 15 to 20 सेकंड का रिएक्शन देखो इंपॉर्टेंट होता है। अगेन मार्केट ऊपर जा रहे, सेलर्स रिकवरी नहीं कर पा रहे, सेलर्स रिकवरी नहीं कर पा रहे, फिर बायर्स आए, फिर बायर्स आ रहे, सेलर्स उतने जल्दी रिकवरी नहीं कर पा रहे जितना बायर्स आ रहे थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है। अब मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पर मैं आपको कंटिन्यूशन रिएक्शन बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग अच्छे खासे कंटिन्यूशन का ट्रेड कर सकते हो। तो मेक श्योर चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना पार्ट बता देना कौन सा अच्छा लगा, एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर आ जाना, जहाँ पर मैं आपको सिग्नल्स, नॉलेज एंड टन्स ऑफ चीज सिखाता हूँ। एंड लास्ट चीज, अगर आप लोगों ने मेरे बाइनरी मास्टर सीरीज के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हो, तो ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं आने वाले हैं। तो आपको क्लास 1 क्लास 2 का वीडियो दिख रहा होगा, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।